हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ सिंपल यूजेस, जिसमें आपको पता लगेगा कि इन टाइम और एट द टाइम में क्या डिफरेंस है, इन द एंड और एट द एंड में क्या डिफरेंस होता है, और उनको किन सिचुएशन में सेंटेंस के अंदर लगाया जाएगा। आई होप अगर आपको उसमें छोटा मोटा भी क्लियर कोई डाउट होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो देखो अभी मोस्टली होता है क्या है कि जब हम वीडियो खत्म करते हैं तो उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। इस वीडियो में मैंने सेंटेंसेस पहले लिए ताकि आप एक बार देख लो आपको कंफ्यूजन क्लियर, क्योंकि कंफ्यूजन को भी समझना बहुत जरूरी है कि कंफ्यूजन हमें हो कहां रहा है। तो वीडियो आप देखने के बाद में देखेंगे कि जो कंफ्यूज जहां पे हो रहा था वो क्लियर आउट हो जाएगा और आप आसानी से सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस यहां पे देखते हैं वो है आई गेट अप डैश टू हैव अ बिग ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू वर्क। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको इसमें इन टाइम और ऑन टाइम लगाना है या इन द एंड और एट द एंड लगाना है। देखो इन द एंड और एट द एंड में आप देखोगे द एंड और ये द एंड ये सेम है हमारा इन और एट। आप कुछ सेंटेंस देख सकते हो कि यहां पे देखिए द एंड और द एंड लिखा हुआ, तो इतना तो क्लियर है कि इन पांचों सेंटेंस में इन टाइम और ऑन टाइम इन तीनों में तो आने वाला है नहीं है, क्योंकि द एंड और द एंड आपको इसमें लगाना पड़ेगा। अब बचते हैं हमारे पास से दो सेंटेंस, देखिए आई गेट अप। अच्छा, इन इन टाइम और एंड टाइम, इन टाइम और ऑन टाइम का मतलब जो है वो समय पर है, ठीक है। मोस्टली ये कॉमन सा इसका हिंदी में रहेगा समय पर। सो आई गेट अप डैश, अब आपको इसमें या तो इन टाइम लगाना है या ऑन टाइम लगाना है, वो आप पहले क्लियर कर लीजिए। टू हैव अ बिग ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू वर्क, लास्ट में बता दूंगा मैं आपको, पहले हम देख लेते हैं। आप क्लियर कर लीजिए कि आपके हिसाब से इसमें कौन सा आंसर बेस्ट रहेगा। We want to start the meeting dash, so please don't be late. देखो इसका मतलब हुआ फर्स्ट वाले का कि मैं समय पर जगता हूं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए ऑफिस, यानी कि काम पर जाने से पहले, काम पर जाने से पहले मैं समय पर जगता हूं अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखिए आप इसमें इन टाइम ऑन टाइम एक क्लियर कर लीजिए। दूसरा है वी वॉन्ट टू स्टार्ट द मीटिंग, हम मीटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं डैश, सो प्लीज डोंट बी लेट। अब आप इसमें भी देख लीजिए समय पर के लिए आप इन टाइम का इस्तेमाल करने वाले हैं या ऑन टाइम का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्लियर। उसके बाद वी वेटेड एजेस फॉर अ टैक्सी, हमने काफी लंबे समय तक टैक्सी का इंतजार किया। यहाँ पे जो एजेस है वो उम्र को दर्शा नहीं रहा, ये लंबे समय को दर्शा रहा है। सो वी वेटेड एजेस फॉर अ टैक्सी, वी गेव अप डैश द एंड वॉकड होम। अब आप देखिए वो कह रहा है कि भाई सेंटेंस में है कि हमने टैक्सी का बहुत लंबे समय तक इंतजार किया, फिर हमने हार मान ली और अंत में हम अपने घर चले गए। तो अंत में दोनों का मीनिंग ही अंत में हो सकता है, तो आप यहां पर इन रख रहे हैं और एट रख रहे हैं वो आप क्लियर कर लीजिए। आई विल बी मूविंग टू न्यू एड्रेस, आप न्यू एड्रेस यानी कि मैं एक नई जगह पर जा रहा हूंगा, शिफ्ट कर रहा हूंगा डैश द एंड ऑफ द सितंबर। अब आप भी यहां पर मुझे क्लियर कर बताना कि आपने एट और इन में से कौन सा यहां पर डिसाइड किया है। उसके बाद इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, मुझे बहुत लंबा समय लगा टू फाइंड अ जॉब, एक जॉब ढूंढने में डैश द एंड आई गॉट अ जॉब इन अ होटल। अगेन आप यहां पर इन और एट में से क्या क्लियर कर रहे हैं, आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, तब तक मैं रुक जाता हूं और फिर हम ये क्लियर आउट करते हैं। उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे कि किन चीजों को समझ के पहचान के हम क्लियर कर सकते हैं कि कहां पे इन टाइम ऑन टाइम आएगा और कहां पे इन द टाइम और एट द टाइम आएगा। चलिए, होप आपने क्लियर कर लिया होगा, ठीक है। देखो आई गेट अप डैश टू हैव अ बिग ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू वर्क, इसमें जो राइट है वो है इन टाइम, कैसे है वो वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। वी वॉन्ट टू स्टार्ट द मीटिंग, हम मीटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें है राइट ऑन द टाइम, सो प्लीज ऑन टाइम, सो प्लीज डोंट बी लेट। थर्ड में आएगा, अच्छा इसमें इन टाइम रॉन्ग रहेगा, इसमें हमारा ऑन टाइम रॉन्ग रहेगा, ठीक है भाई। वी वेटेड एजेस फॉर अ टैक्सी, वी गेव अप डैश द एंड एंड वॉकड होम। अब बताइए आपने इसमें क्या लगाया, इन द एंड और एट द एंड, इसमें जो राइट रहेगा वी वेटेड एजेस फॉर अ टैक्सी वी गेव अप, इसमें सबसे बेस्ट आएगा इन द एंड, एट द एंड इसमें नहीं लगाना है। फोर्थ है आई विल बी मूविंग टू अ न्यू एड्रेस डैश द एंड ऑफ सेप्टेम्बर, इसमें इन गलत रहेगा, एट एकदम परफेक्ट रहेगा, एट द एंड ऑफ सेप्टेम्बर। लास्ट है इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम
टू फाइंड अ जॉब डैश द एंड आई गॉट अ जॉब इन अ होटल, मुझे होटल में जॉब लगी। तो इसमें जो परफेक्टली है वो क्या लगाया आपने बताइए, इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड अ जॉब डैश द एंड, तो इसमें राइट रहेगा इन, एट रहेगा रॉन्ग। अब आप जब इन सेंटेंस को बना रहे होंगे तो आपको दोनों ही ठीक लग रहे होंगे कि यार इसमें तो इन टाइम भी हो सकता है, ऑन टाइम भी हो सकता है, यहाँ पे इन द एंड एंड एट द एंड दोनों ही हो सकता है। लेकिन मुझे इतना टाइम होप नहीं लगा, मैंने बस सेंटेंस को देखा और कुछ चीजें जो मुझे क्लियर आउट हो रही थी सेंटेंस में, मैंने उसको पकड़ा और उसके बिहाव पर मैंने राइट आंसर पुट कर दिया। यही चीज हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आई होप आपको भी क्लियर आउट हो गया होगा कि आपका डाउट कहाँ है और किस चीज में है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले ये क्लियर आउट कर लेते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि किन सेंटेंसों में ऑन टाइम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सेंटेंस में ऐसी कौन सी डिमांड होती है, ऐसी कौन सी चीज होती है वो ये क्लियर कर देती है कि भाई साहब इस सेंटेंस के अंदर ऑन टाइम का यूज होगा या इन टाइम का। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज ऑन टाइम इन द सेंटेंस। सो देखिए ऑन टाइम का जो एक बेसिक मीनिंग निकलता है दैट्स पंक्चुअल। पंक्चुअल तो आप समझते होंगे, पंक्चुअल का मतलब होता है एकदम समय पर, ना लेट और ना ही समय से पहले, यानी कि पंक्चुअल नॉट लेट। अगर सेंटेंस में ऐसी कोई चीज की बात की जा रही है जो समय पर स्टार्ट होनी है, लेट नहीं होनी है, तो आप समझ जाइए कि वहां पर ऑन टाइम का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें डेफिनेशन है, If something happens on time, यानी कि अगर कोई चीज समय पर होती है, समय पर होने का मतलब क्या है, It happens at the time which was planned, यानी कि जो प्लान किया गया था अगर उसी समय पर वो चीज हो तो उस सेंटेंस को बोलने के लिए ऑन टाइम का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे एक दोस्त का बर्थडे है और उस दिन हमने टाइम डिसाइड किया कि हम 7 बजे इस जगह पर मिलेंगे, तो 7 बजे ही अगर हम मिले वहां पे तो उसका मतलब है कि हम ऑन टाइम वहां पे मिले हैं, ठीक है, तो वो समय पर मिलना हुआ, पंचुअल होना हुआ। फॉर एग्जाम्पल को सेंटेंस भी है, द 11:45 ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम। अब देखिए ऑन टाइम आया है कि जो 11:45 की ट्रेन है वो समय पर चली। अब देखो इट लेफ्ट एट 11:45, कितने बजे की ट्रेन की बात की जा रही थी, 11:45 की ट्रेन है वो समय पर चली, इसका मतलब है कि 11:45 पर ही वो काम हुआ जो होना था। आई विल मीट यू एट 7:30 एक सेंटेंस है कि मैं आपसे 7:30 बजे मिलूंगा, ओके बट प्लीज बी ऑन टाइम। तो सामने वाला कह रहा है कि यार आप प्लीज समय पर आना, 7:30 का मतलब 7:30 होना चाहिए, यानी काम तभी होना चाहिए जब वो प्लान किया गया है, तो उस टाइम के लिए उस पंचुअलिटी के लिए आपको इस्तेमाल करना होता है ऑन टाइम। अच्छा अगर ऑन टाइम का आपको अपोज लिखना हो तो वो होता है लेट, ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस भी है यहाँ पे, बी ऑन टाइम डोंट बी लेट, आप समय पे होना लेट नहीं होना। तो इस तरीके से आप किसको समझ सकते हैं दैट हाउ टू यूज ऑन टाइम इन द इंग्लिश सेंटेंस फॉर पंक्चुअल, ठीक है भाई। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखते हैं कि इन टाइम का यूज कैसे किया जाता है। ओके तो अभी हम बात करते हैं दैट हाउ टू यूज इन टाइम इन सेंटेंसेस। ऑन टाइम का हमने क्लियर कर लिया, वो पंक्चुअलिटी के लिए आता है जिसमें हम लेट नहीं होते, लेकिन जब हम इन टाइम की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, ये आता है फॉर समथिंग और टू डू समथिंग लाइक सून इनफ। देखो इसमें क्या है, कुछ भी करने के लिए अगर आप उस टाइम से पहले वहां पे कुछ पहुंचते हैं, वहां पे वो उस समय से पहले वो काम करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको इन टाइम का इस्तेमाल करना होता है। देखो एग्जांपल देता हूं, आपका स्कूल मान लीजिए 9:30 बजे है, तो ऑन टाइम तो हो जाएगा 9:30 कि आई विल रीच माई स्कूल ऑन टाइम, लेकिन अगर आप वहां पर 9 बजे पहुंचेंगे और आप कहें कि आई विल रीच दिस स्कूल इन टाइम, तो ऑन टाइम का मतलब तो हो गया कि मैं समय पर ही आऊंगा, लेकिन इन टाइम का मतलब होगा कि मैं समय से थोड़ा पहले आ जाऊंगा। तो बस इतना ही समझ लीजिए कि ऑन टाइम पंचुअल समय के लिए, एक्यूरेट टाइम के लिए होगा, जबकि इन टाइम समय से पहले। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, विल यू बी होम इन टाइम फॉर डिनर, ये क्वेश्चन है इंटरोगेटिव प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, इसमें पूछा गया है विल यू बी होम, क्या आप घर पे आओगे
इन टाइम फॉर डिनर, डिनर के लिए थोड़ा समय से पहले, तो सून इनफ फॉर डिनर। सेकेंड है आई मस्ट हरी, यानी कि मुझे थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। आई वॉन्ट टू गेट होम, मैं घर पे पहुंचना चाहता हूं इन टाइम, समय से पहले, टू सी द फुटबॉल मैच ऑन टेलीविजन। तो आप इसमें भी देख सकते हैं सेंटेंस, आई मस्ट हरी, आई वॉन्ट टू गेट होम इन टाइम टू सी द फुटबॉल मैच ऑन टेलीविजन। अब इसमें आप ऑन टाइम क्यों आ सकते हैं, अब खुद देखिए, कोई अगर बंदा ऑफिस से आ रहा है उसको टेलीविजन पे मैच देखना है, ऐसा तो नहीं कि वो आते ही सीधा बैठ जाएगा। तो अगर थोड़ा सा टाइम से पहले आएगा, सो ही विल जस्ट रिलैक्स, चेंज एंड हैव सम स्नैक्स और स्टार्ट कर देगा फिर मैच देखना। तो वही कंडीशन है इसके अंदर कि इसमें आप जो सेंटेंस है उसमें ये देखेंगे कि वो काम थोड़ा समय से पहले होना चाहिए। तो जैसे कि हमने उसमें देखा था कि ऑन टाइम का जो अपोजिट वर्ड था वो था टू लेट, लेकिन द अपोजिट ऑफ इन टाइम, इन टाइम का जो अपोजिट होगा दैट इज टू लेट। वहां पे था लेट, सॉरी वहां पे था ऑन टाइम में हमने यूज किया था लेट के लिए, और यहां पे होगा टू लेट के लिए। आप देखो अगर आप टू लेट नहीं कहना चाहते हैं इसके लिए, तो आप इस पे कह सकते हैं जस्ट इन टाइम, ये भी इसी का ही जस्ट इन टाइम अपोजिट है। इन टाइम का अपोजिट जस्ट इन टाइम कह सकते हैं, और ऑन टाइम का अपोजिट लेट यूज किया जाएगा। क्लियर? सो ऑन टाइम हमने कंप्लीट कर लिया था और इन टाइम भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया, ऑन टाइम समय पर एकदम, इन टाइम समय से पहले। अब बात करते हैं कि हम इन द एंड और एट द एंड का यूज कहां करते। ओके, तो लास्ट में हम सीखते हैं कि भाई एट द एंड और इन द एंड, सॉरी मैंने यहां पे एट लिख दिया, इन द एंड में क्या डिफरेंस रहेगा। देखिए एट द एंड की बात करेंगे, सो एट द टाइम व्हेन समथिंग एंड्स, यानी कि ऐसा समय जहां पे कोई चीज खत्म हो जाती है उसके बाद वो चीज नहीं होगी, यानी खत्म हो गई, वो क्या, एट द एंड ऑफ मंथ। जब भी मंथ का नेम आएगा, आपने उस सेंटेंस में देखा होगा सितंबर लिखा हुआ था, तो द एंड ऑफ सितंबर का मतलब क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ सेप्टेम्बर। पहला तो आप समझ लीजिए कि जब भी मंथ के लिए एंड की बात की जाती है तो इन द एंड ऑफ द मंथ नहीं होता, एट द एंड ऑफ द मंथ सही होता है, ठीक है भाई। उसके बाद है एट द एंड ऑफ फिल्म, कोर्स, कॉन्सर्ट, ये सारी चीजें हमारे किस में आएंगी, एट द एंड में आएगी, जो खत्म हो जाती है। लाइक एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ जैन, क्या एक बात आइए, क्या यहां पर आप एट की जगह इन कर सकते हैं, नहीं होगा, तो वहां पे आएगा एट द एंड ऑफ जैन। मंथ का नाम आ रहा है और मंथ के नाम के लिए एट द एंड का इस्तेमाल किया जाता है अंत में के लिए, हिंदी क्या होगी, अंत में, इस महीने के लास्ट में। ऑल प्लेयर्स, जितने भी सभी प्लेयर्स थे, शुक हैंड, उन्होंने हाथ मिलाया एट द एंड ऑफ द मैच, मैच खत्म हो गया। क्या पढ़ा था हमने, एट द टाइम, यानी उस समय, व्हेन समथिंग एंड्स, जब कोई चीज खत्म हो जाती है, तो जब एट, जब मैच खत्म हुआ, एंड हुआ, तो मैच के खत्म, एंड के लिए हम क्या लगाएंगे यहां पर, एट का यूज करेंगे, ना कि इनका। तो देखिए मंथ के लिए और मैच के लिए, फिल्म के लिए, या फिर कोई भी चीज जो खत्म हो जाती है उसके बाद हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम एट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखो जिस तरह से हमने ऑन के लिए हमने यूज किया था अपोजिट का, वो था हमारा लेट। फिर हमने सेकेंड यूज किया था इन टाइम, जिसके लिए हमारा जो अपोजिट वर्ड था वो था टू लेट, या फिर हमने कहा था जस्ट इन टाइम। वैसे ही एट द टाइम का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है एट द बिगनिंग। तो यहां पे अगर ये हो कि मैच की शुरुआत में, ठीक है, सभी प्लेयर्स ने हाथ मिलाए, ऑल द प्लेयर्स शुक हैंड, एट द का क्या हो जाएगा यहां पर, एट द एंड का, एट द बिगनिंग ऑफ द मैच, तो ये एंड का बिगनिंग बन जाएगा सेंटेंस हमारा, उसके अपोजिट हो जाएगा। तो जो भी हमारे सेंटेंस है, एट द एंड ऑफ मंथ, तो एंड हो गया अंत, और मंथ की शुरुआत हो जाएगी एट द बिगनिंग, ये दोनों चीज आप याद रखिए। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमारा इन द एंड का यूज क्या होगा, देखो इन, एट द एंड का मतलब होता है अंत में, लेकिन इन द एंड होता है फाइनली वो चीज खत्म, ठीक है, उसके बाद वो चीज नहीं हुई। देखो यहां पे और यहां पे डिफरेंस ना सा है, वी यूज इन द एंड व्हेन वी से फाइनल रिजल्ट ऑफ सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन है, यहाँ पे तो हम मंथ की बात कर रहे थे, फिल्म की बात कर रहे थे, यहाँ किसी सिचुएशन की बात की जा रही है, और वो जो सिचुएशन के एंड में कुछ आया तो हमने उसको फिर इन द एंड बोला। देखो सेंटेंस समझते हैं पहले, एक सेंटेंस है, वी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद आवर कार,
यानी कि हमें भरी बहुत सारी परेशानियां थी कार को लेकर हमारे पास से कार थी भैया और उसमें बड़ी परेशानियां हमें हो रही थी। इन द एंड वी सोल्ड इट, अंत में फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि हमने उसको बेच दिया। अब आप यहाँ पे अंदर लगा सकते हैं, यहाँ पे तो एट द एंड ऑफ जैन यानी मंथ की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन की बात की जा रही है और उस सिचुएशन के लास्ट में ऐसा हुआ, तो वहां पर आप एट द एंड ना यूज करके इन द एंड का इस्तेमाल करेंगे। देखो एक सेंटेंस और है, ही गॉट मोर एंड मोर एंग्री, वो बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। एंड इन द एंड, ये देखिए, इन द एंड ही जस्ट वॉक्ड आउट ऑफ द रूम, और अंत में उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो कमरे से बाहर चला गया। तो इन द एंड आता है फाइनल रिजल्ट के लिए और एट द एंड आता है कोई भी ऐसी चीज के लिए जो खत्म हुई है। ये सिचुएशन के लिए अप्लाई कर लीजिए, ये आप मैच हो गया, फिल्म हो गया, मंथ हो गया, इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इन द एंड का जो अपोजिट वर्ड रहेगा वो रहता है एट फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस ये ऐसे है कि हमें कार से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, या हमारे पास एक कार थी उस समय बड़ी सारी परेशानी हो रही थी और लास्ट में हमने कार बेच दी। अगर ऐसा होता कि शुरू में हमें कार के साथ बड़ी परेशानियां थी, बाद में सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर शुरू में लेकर आएंगे एट फर्स्ट, लेकिन अंत में लेकर आएंगे इन द एंड। सो आई होप आपको इस वीडियो में से चारों चीजें क्लियर हुई होंगी, जिसमें आप एंड टाइम और ऑन टाइम का यूज किस पर कर सकते हैं, इन द टाइम और एट द टाइम का यूज किस प्रकार करेंगे, एंड लाइकवाइज इनके आपको अपोजिट भी पता चल चुके हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों को भी बांटिए और आप भी इससे कुछ सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।